हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मिली बॉक्स लाइफस्टाइल में। और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, वो सब मैं करके दिखाऊँगी क्या है क्या नहीं है। और आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा ही ठंड था, बट ऊपर देखो क्या कर रहे हो, पढ़ाई? हाँ, क्या करके रखा है यहाँ डाल के, तो मैंने इसका कवर उठा के रखी हूँ ताकि थोड़ा सूख जाए। ये देखता है इधर से उधर, उधर से इधर, कहाँ छुप गए हो? ये देखिए मैं चाय बना रही हूँ, इसका पानी तो सूख जा रहा है। देखिए ये कुकर में दलिया बनी। ये रहा मेरा चिकन जो मैं बनाने वाली हूँ। ये ऑनियन, गार्लिक, ये जिंजर, मुझे ये सब लगेंगे। अभी गार्लिक मेरी आधी पील हुई है। और ये है, इसको हिंदी में कहते हैं हसिया शायद, और बंगला में कहते हैं बोठी। तो इस बोठी से मैं चिकन को थोड़ा छोटे पीस करूँगी, क्योंकि ये चाकू से नहीं होने वाले हैं, ये बोठी से ही होगा। तो अब बंगाली घर में तो ये सभी चलता है। तो फिर देखते हैं, मैं ये आधा करके फिर आपसे मिलती हूँ। इसको मैंने छोटे पीस कर लिया है, एक बार और वॉश करना है। ये देखिए अब मैं ऑनियन चॉप प्याज कट करूँगी। मैं इसे चॉपर में कट कर रही हूँ ताकि मुझे इजी पड़े। और ये देखिए हो गया मेरा, ये चॉप कर लिया मैंने, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, चॉपर 200 के अंडर आ जाता है। अब मैं पेस्ट बनाऊँगी। ये देखिए गार्लिक लिया है, लहसुन और अदरक को लेके, और उसमें हरी मिर्च ज़्यादा ही है। ये देखिए लहसुन होगा 15-20 से ज़्यादा ही होगा, और अदरक के टुकड़ा ग्राइंड कर, एक टुकड़ा को ही मैंने पूरा कर दिया है। ये देखिए अब इसमें हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ा स्पाइसी भी होना चाहिए। हरी मिर्च से ज़्यादा स्पाइसी लगता नहीं है, रेड मिर्च से लगता है, वो नुकसान देता है। और ये देखिए मैं 4-5 ठोक लूँगी, इसके लिए स्वाद अच्छा आता है इसको देने से। अब हम कुकर बैठाएंगे। कुकर में देखिए मैंने तेल डालूंगी, पहले इसे गर्म होने दीजिए। अब मैं इसमें तेल डाली, तेल से इसको अब थोड़ा सा गर्म होके, फिर इसमें मैं तेज पत्ता डालूंगी, दो डाली हूँ, मतलब एक ही को दो करके डाली हूँ। अब इसमें गरम मसाला डालूंगी, खड़ी लौंग, 4-5 लौंग, काली मिर्च, 2 इलायची, जैसा आप इच्छा है आप डाल सकते हैं, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, जो जितने भी गरम मसाले हैं वो सब जाएगा इसमें, तभी उसी से गर्मी होगी बॉडी में खाने से, और इसका स्वाद अलग ही आएगा। ये देखिए अब ये अच्छे से तड़क रहा है, ये देखिए गरम हो गया अच्छे से। अब इसमें प्याज डालूंगी, सारे प्याज डाल दूंगी मैं, जितने भी मैंने चॉप किए थे, इसे फिर भूनेंगे अच्छे से। जितना मसालों को अच्छे से भूनोगे उतना टेस्ट आता है। ये देखिए प्याज में लगता है मुझे थोड़ा तेल कम हो गया, तो इसमें हल्की सी मैं तेल डालूंगी, नहीं तो ये अच्छे से भूनेगी नहीं। अब मैंने इसमें पेस्ट डाला है, देखिए जो मैं पेस्ट बनाई थी वही पेस्ट डाली हूँ, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा जीरा और धनिया खड़ी वाली। इसमें मैंने एक टुकड़ा टमाटर डाला है, अब इसको मैं अच्छे से हिलाऊंगी, फिर सारे मसाले डालूंगी इसमें। अब इसमें जाएगा नमक 1/2 चम्मच। देखिए अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। अब लाल मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया भी डालेंगे, धनिया भी 1/2 चम्मच, और जीरा पाउडर नहीं है मेरे पास तो मैंने उसको पहले ग्राइंड कर दिया था। अब इसमें कश्मीरी रेड मिर्च डाली हूँ, अब इसको अच्छे से फिर भूनेंगे जब तक इसमें ये तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको भूनेंगे। अभी देखिए तेल निकल रहा है, अब इसमें हम चिकन छोड़ेंगे। पहले तो हम इसे थोड़ा ढक के रखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर ढक के, फिर जब अच्छे से भुन जाएगा तेल छोड़ेगा तब हम चिकन डाल देंगे। ये देखिए चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मैश करेंगे सब मसालों के साथ।
इसको एक दूसरे से मिक्स करके मिक्स करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है अंदर अंदर तक जाए और चिकन में नमक हल्दी और मिर्च भी जाए। देखिए अभी भी धीरे धीरे अच्छे से भूनेंगे इसको ताकि इसमें जब ये तेल छोड़ेगा उसके बाद हम इसको ढकेंगे। देखिए अभी धीरे धीरे तेल छोड़ेगा अंदर से। देखिए दोस्तों छोड़ दिया, इतना यमी दिख रहा है ना, इसे हम थोड़ा हिलाएंगे ताकि जले ना मसाले। ये देखिए अब इसमें 3-4 गिलास हम पानी डालेंगे, जितना आप आपको सूप में चाहिए मतलब ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डालिए, क्योंकि सूप तो ऐसे ही ग्रेवी ही होती है मतलब तो इसी रस्से वाली होती है। अब इसे हम बंद करके 5-6 सीटी लगाएंगे। तो गाइस मेरा चिकन सूप बन रहा है, अभी सीटी मारेगा 3-4 उसके बाद में तो मेरा सीटी मेरे कुकर का सीटी होगा 3-4। तो मैं जाके फिर बाकी का जो सामान मुझे डालना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है उसको। थोड़ा अच्छे से बारीकी से जो जो मैंने डाला है वो आप ध्यान से डालिएगा तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो ये अलग टाइप का सूप है ये जो। अब इसमें हम विनेगर डालेंगे 1 चम्मच और फिर सोया सॉस डालेंगे 1/2 चम्मच, फिर सॉस डालेंगे। अगर सेजवान चटनी हो तो वो भी डाल सकते हो, मगर हमें मेरे पास अभी टमाटर केचप है और रेड चिली सॉस है। अब इसमें हम जो गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसमें डालेंगे। देखिए अब इसकी इंटेंसिटी जो भी है इसकी गाढ़ी हो रही है। अभी सूप ज़्यादा नहीं करनी है, हल्की करनी है। अब इसे थोड़ा देर ढक देंगे ताकि ये हो जाए। देखिए चिकन सूप रेडी है, देखिए गरम गरम आप लोग भी लीजिए, आइए खा लीजिए। अभी पापा आने वाले हैं, चलो उतरो। नहीं मम्मी ये खानी है। नहीं क्यों यो। अच्छी है, टेस्टी है ओके। चिकन है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसा लग रहा है कि 6 बज रहा है बट बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। तो पूरे पता नहीं पानी गिरा है कि क्या हुआ है, पूरे पानी पानी जैसा लग रहा है बाहर। देखिए कल तो बाहर पूरी धुंध हो गई थी, पूरी ना फॉग हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पर गर्म पानी बैठाऊंगी, देखिए मैं गर्म पानी के लिए और गैस चला रही हूँ और यहाँ मैं घर जमा के सेट कर रही हूँ ताकि पूरा बिखरा हुआ है जो भी उसे ठीक कर रही है। यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देती हूँ आंटी के आने के पहले। देखिए बहुत गंदे थे तो मैंने सोचा थोड़ा लगा लेती हूँ। अब मैं ये सब्जी बना रही हूँ, सब्जी और नाश्ते में यही बनाया गया, चाय हो रही है। देखिए और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, टीटो को मैं अभी सुला के आई हूँ और मैं एक फेस पैक बनाई हूँ तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। वो है मतलब घर घर का ही है, वो होम मेड है वो, तो वो है मेरा दाल और चावल। ये देखिए इसमें है दाल चावल और इसमें हम कोई भी ऑयल मिलाएंगे, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, जॉनसन ऑयल हो गया या कोई भी जो आप यूज़ कर सकते हो चेहरे पे। ऐसे भी चेहरे पे फेस पे ऑयल लगाना भी अच्छा ही होता है। तो दिन में आपका 3-4 दिन तक अगर ऐसे ही करोगे तो आपका ग्लो हो जाएगा आपका। क्योंकि बाहर तो मिलते हैं बहुत सारे टाइप के बट
ये घर के जो ओरिजिनल होते हैं, उपनल होते हैं, वो अलग ही होते हैं। मुझे मैंने आज आपको होममेड उपटन दिखाया, दाल, ऑयल और चावल, मसूर की दाल। आपके आप हर बीच बीच में तेल लगाओ तो आपके चेहरे में अलग ही ग्लो आएगी। बस इसे 5 मिनट लगाना है। तो गाइस देखिए, आपको रोज़ या बीच बीच में आपको मैं टिप्स बताते रहूँगी। मेरे आंखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल है, वो भी मैं कम कर रही हूँ आलू से। अगर आलू किस के ये आलू काट के दोनों साइड में उसके मतलब रस निकालना चाहिए उसका, चाहे आप किस के लगाओ, चाहे उसको आप किसके नीचे उसके जो रस है उसको लगाओ डेली, तो आपके लोग तो आप लोग ट्राई कीजिए। तो गाइस पहले से कुछ फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है? देखिए तो आपको कैसा लगा मेरा ये ट्रिक्स? कुछ नहीं है, घर की चीज़ों से ही आप वो यूज़ कर सकते हो अपने चेहरे पे, अपने बालों पे। और मैं आपको धीरे धीरे आपको टिप्स बताते रहूँगी, आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए घर पे। कोई टिप्स चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर मुझे पता हो या जो भी हो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो उपटन में सच में ग्लो करता है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। मैं बताऊँगी आप लोगों को क्या क्या है, आप लोगों को जब भी मतलब होगा मैं आजिए। और आज के लिए इतना ही वीडियो, बाकी मैं कल दिखाऊँगी। और अभी अलविदा लेती हूँ, मगर उसके पहले आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि कैसा लगा ये ग्लोइंग और मेरी रेसिपी, ये भी बताइए। देख के आप लोग भी ट्राई कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलिए मत, पूरा फ्री है वो, आप कर सकते हैं। और उसके साइड में बेल आइकन को भी पक्का एक प्लीज़ दबाइए, बेल आइकन को भी प्लीज़ दबाइए आप, क्योंकि उससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, आप लोग सब अच्छे से रहिए।